सकता है, पर इस साल जो करंट है इट्स 23%। ठीक है, इसमें देखें अभी तक हमारी मेन जो डिस्कशंस चल रही है वही ट्रेडिशनल अप्रोच पर सारी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। रेप केस में इसमें डिजिटल डिवाइसेस की बहुत ज़रूरत है, और इसके अलावा हमारा जो डीएनए का सिस्टम है उसमें भी कुछ हम करने जा रहे हैं। जैसे कराची यूनिवर्सिटी में सिंध गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा खर्चा करके मशीन्स लगवाई हैं और उसके लिए उनको सर्विसेज के फंड्स भी मुहैया किए हैं। इसमें कुछ हमारी लैब्स का भी कुछ इश्यूज़ है, सैम्पलिंग केस भी इश्यूज़ थे, उसके लिए भी हमने इंक्वायरी की हुई है। मेन वजूहत इसकी एक तो रिजाइल कर जाते हैं विटनेसेस जो हैं, विक्टम्स होते हैं समटाइम्स जो है साइंटिफिकली अगर प्रूफ नहीं होता है डीएनए में तो इसकी एक्विटल के ये ग्राउंड होते हैं। और समटाइम ये भी होता है कि फ्रीविलस केस फ्रेम किया जाता है एलिगेशंस पे, ज़ाती ग्रज पर। तो ये तीन चार वजूहत हैं, पर इस वक्त जो है करंट ईयर में हमारे 23%। तो इसको बेहतर बनाने के लिए अब क्या इकदाम किए जा रहे हैं पुलिस से या प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की जानिब से, आपकी तरफ से कुछ? देखिए पुलिस और प्रोसिक्यूशन का तो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा है, और इसमें काफ़ी सर्कुलर्स, स्ट्रेचरी गाइडेंस, ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है। मामला पुराने काफ़ी ख़राब हैं, अब तो माशाल्लाह अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। इसमें अभी भी हमारे जैसे ये मैं कहता हूँ कि जो डिजिटल हमारी जो एप्लीकेशन है ना इन्वेस्टिगेशन में, वो जब तक फुल फ्लैश नहीं आएगी तो रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं होंगे। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो तैनात किए जाते हैं बाज़ औक़ात उनको केसेस के बारे में पता ही नहीं होता, उनकी इतनी एजुकेशन ही नहीं होती और उनको मॉडर्न डिवाइसेस से एविडेंस कैसे कलेक्ट करना है ये भी नहीं पता होता, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के हवाले से कोई सिफारिशात वगैरह आपने की हैं, कुछ किया जा रहा है? जी, सिफारिशात काम भी काफ़ी किए हैं। एक तो यहाँ एवरी सैटरडे हम पुलिस के ग्रुप्स को, इन्वेस्टिगेटर्स के यहाँ पर ट्रेनिंग देते थे जब से मैंने फेटफ का चलाया था काम, तो एफआई वालों को भी दिया, उनमें काफ़ी लोगों को दिया। एक तो वो ट्रेनिंग चली, फिर सिंध जुडिशल अकेडमी में चली, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब थे उनके साथ जब वो डीजी थे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, नदीम अख्तर साहब बने, तो हम जॉइंट ट्रेनिंग्स भी करा रहे हैं इन्वेस्टिगेटर्स, प्रोसिक्यूटर और जजेस की भी, ताकि उनकी कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग का जो है वो अच्छा बेहतर हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। और पुलिस को ट्रेनिंग्स हम दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से भी इस ऑफिस से प्रोसिक्यूटर जनरल सिंह के पुलिस डीआईजी आईजी साहब को और डीआईजी ट्रेनिंग्स को काफ़ी सारी यहाँ से जो जजमेंट्स आते हैं, जो एरर्स होते हैं उसकी पोस्ट जजमेंट स्क्रूटनी करके अगर फिट नहीं होते हैं अपील के लिए, फ्लॉज होते हैं ऐसे, वो फ्लॉज पर बताया जाता है कि देखें इस पॉइंट पर ये इन्वेस्टिगेटर ने किया, आप ट्रेनिंग करें। और उन्होंने सिलेबस रखे हैं जिसमें हमारे दो यहाँ से प्रोसिक्यूटर जो सीनियर हैं वो जाके लेक्चर्स भी दे रहे हैं, पुलिस का अपना भी मैकेनिज्म है। तो इस वक्त ट्रेनिंग्स का दो तीन साल से जब से मैंने ये ऑफिस संभाला है ट्रेनिंग्स का काफ़ी इस पर कराई गई है। जो अब ज़ाहिर है इतने पुराने इन्वेस्टिगेटर्स हैं 20-25 साल के, उस वक्त ये काम नहीं हुआ, तो अब ट्रेनिंग्स दिए हैं, इसके रिज़ल्ट इंशाल्लाह विद इन कपल ऑफ ईयर्स बेहतर होंगे। सर, पुलिस का एक तरफ कहना होता है कि हम मुल्जमान को पकड़ते हैं, अदालतों से छूट जाते हैं, अदालतों की तरफ से अक्सर रिमार्क्स में आप खुद भी जब पेश होते हैं तो सुनने में आते हैं, देखिए जी जो हमारे पास केस आता है इसी बुनियाद पर हम फैसला देते हैं, केस अगर कमज़ोर बनाया जाएगा तो ज़ाहिर है मुल्जमान अल्टीमेट छूट जाते हैं, लेकिन जब मीडिया हाई रहती है तब तो देख रहे होते हैं पुलिस एक्टिव होती है, काम हो रहा होता है, लेकिन जब मीडिया की नज़र ओझल होती है तो फिर वो मुल्जमान आराम से जमानतों पर उसके बाद केस ही भरी होकर चले जाते हैं, क्या वजह हो सकती है? देखिए ये बात को कहना तो बड़ा सिंपल होता है कि पुलिस की ख़राबी है, कहना बड़ा सिंपल होता है प्रोसिक्यूशन की ख़राबी है, या समटाइम हम कहते हैं कि जी कोर्ट्स बड़ा लीनियंट व्यू ले रही हैं और छोड़ देती हैं। तो अब हर किसी का अपना एक्सक्यूज़ तो होता है, अदालत ये कहेगी कि जो रिकॉर्ड आया हमारे सामने उसकी बुनियाद पर हमने कर दिया और बरी कर दिया, क्योंकि जो सेटल प्रिंसिपल हैं उस पैरामीटर से हम बाहर जा नहीं सकते। प्रोसिक्यूटर ये कहेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, इन्वेस्टिगेटर ऐसी रिपोर्ट लाया और अदालत ने छोड़ दिया। इसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में तीनों ही कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बराबरी पर हैं, अदालतें हों, जुडिशरी हो एज एम्पायर, प्रोसिक्यूटर हो, उसे दोनों तरफ देखना है, उसकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है कि इन्वेस्टिगेटर की
चालान जो चार्जशीट पुलिस रिपोर्ट होती है उसको सीधा करे, जो कोर्ट ऑफ लॉ सीधा इन अवे के जो लीगल प्रिंसिपल सेटल है उनके मुताबिक एविडेंस को लेके आए जज के सामने, और दूसरी इसकी जिम्मेदारी होती है कोर्ट ऑफ लॉ को प्रॉपर असिस्ट करे कि ये केस लॉ ये केस है और ये एविडेंस है और ये मटेरियल है और ये जो सुपीरियर कोर्ट्स के फैसले हैं उनकी नज़र में इस तरह होना चाहिए। इस वक्त जो मैं समझता हूँ बेसिकली जो इक्विटल रेशो बहुत हाई है उसमें इनिशियली जो 164 का जो हालांकि पुराना लॉ है पर बहुत इफ़ेक्टिव है मैं समझता हूँ उसका एप्लीकेशन कम है। यहाँ से मैंने सर्कुलर भी दिए हैं, आईजी साहब को भी कहा है, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने भी उसको आगे कन्वे करके इन्फोर्स किया है स्टैंडिंग ऑर्डर्स में, जो सर्कुलर मेरे स्टैचुरी हैं वैसे भी पाबंदी है उन पर के करें। सर्कुलर्स में यही लिखा है कि एटलीस्ट चार कैटेगरीज को मैंने भी कहा है कि आप 164 का लाजमी करें, जिसमें रेप है, मर्डर है, सोडोमाइज होता है, या इसके अलावा जो नारकोटिक्स के केसेस हैं या इस तरह के जो हैं स्ट्रीट क्राइम रॉबरी के जो जिसमें स्पेशली मर्डर जो हो जाते हैं। मैंने यही कहा कि इसको आप 164 करें क्योंकि समटाइम्स के बाद जो है जब ट्रायल आती है एक साल बाद डेढ़ साल बाद दो साल बाद तो उस वक़्त वो या तो उस विटनेस को प्रेशर दे देते हैं या उसको किसी न किसी तरह वो करके वो आके हॉस्टाइल हो जाता तो केस हमारा डैमेज हो जाता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन परेड का कराची में जो सबसे बड़ा स्ट्रीट क्राइम का जो मसला उसमें आइडेंटिफिकेशन परेड, अगर आप देखें दूसरे रूरल एरियाज हैं विलेजेस हैं वहाँ लोग एक दूसरे को जानते हैं, कराची इतना बड़ा शहर है यहाँ पर एक दूसरे को लोग जानते नहीं हैं, क्रिमिनल्स का सिर्फ चेहरा देखते हैं, तो होलिये का डिस्क्रिप्शन प्रॉपर हो और जब तक ना हो वो पकड़ा नहीं जा, नामालूम अफराद आए छीन के लिए गए, नामालूम अफराद आए गोली मार, वो नामालूम अफराद सिर्फ डिस्क्रिप्शन आप पुलिस को दे सकते हैं, उस डिस्क्रिप्शन पे जैसे ही वो पकड़ा जाता है आइडेंटिफिकेशन परेड जो है ना वही सबसे इम्पॉर्टेंट है फैक्टर, वो आइडेंटिफिकेशन परेड जब तक आप उसको पक्का नहीं करेंगे और जज हजरात जो नीचे मजिस्ट्रेट्स हैं वो ताउन नहीं करेंगे टाइमली, क्योंकि टाइमली होना चाहिए इसमें बहुत सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं, आसिफ सईद खोसा साहब चीफ जस्टिस जो फॉर्मर हैं सुप्रीम कोर्ट उनके बड़े इसमें जजमेंट्स हैं आइडेंटिफिकेशन परेड पर कि जी इसको इस तरह इस पैरामीटर्स में इस डमियों में होना इस तरह की डमीज होनी चाहिए इसी तरह के आइडेंटिकल होने चाहिए, तो वो यार्डस्टिक को फॉलो करेंगे तो हो जाता है। इसमें हमने मजिस्ट्रेट साहिबान के लिए भी क्या है कि वीडियो रिकॉर्डिंग का भी डिजिटल कर लिया है कि अगर वो आज कराची में हैं कल कहीं और ट्रांसफ़र हो जाता तो उनको आना जाना ये प्रॉब्लम होता, उस पर भी हमने कहा है कि उसका भी मैकेनिज़म है और वीडियो रिकॉर्डिंग हुई भी है अभी रिसेंटली उज़ैर बलोच के केस में इसमें दो तीन में इसी तरह के केसेस में, तो इस तरह वीडियो पर भी हम जा सकते हैं कि जो सहूलतें हों। ठीक है, थैंक यू।